हाय, मैं हूँ जोया खान और आप मुझे देख रहे हैं भोजपुरी बातें पे। सर बताएं दोस्तों को, आज सबसे पहले मैं मीडिया वालों को धन्यवाद देना चाहूँगा। और आज हम लोग म्यूजिक एल्बम का शूट कर रहे हैं, ऐसा RSR म्यूजिक वर्ल्ड कंपनी की तरफ से, और उसके ऑनर माननीय रविशंकर सिंह जी हैं जिन्होंने नया म्यूज़िक चैनल ओपन किया है। इसके लिए अभी हम लोग जो है महीने के 10 गाने सोशल मीडिया पे देंगे। RSR म्यूज़िक वर्ल्ड के नाम से है, सत्यदेव फिल्म प्रोडक्शन के नाम से कंपनी खोली गई है, जिसको पूरा हैंडल मैं कर रहा हूँ। और भैया चंडीगढ़ से हैं, प्रॉपर बिहार से, और इनका बिजनेस जो है चंडीगढ़ में है। और चंडीगढ़ से कहीं ना कहीं इनके अंदर वो अपने मातृभाषा संस्कारों को, अपनी संस्कृति को लेकर के कहीं ना कहीं इनके अंदर एक जिज्ञासा जगी। और बिजनेस मैन है ये, और हमारा किसी एक फ्रेंड सर्कल से ही दोस्ती हुई, तो इन्होंने बोला कि कुछ ऐसा करते हैं जो लाइफ टाइम तक कुछ अच्छा चीज़ दे सके हम लोग जो है, तो फिल्म के माध्यम से, एल्बम के माध्यम से। तो ये इस पर हम लोग डिस्कस किए। फिर अभी जो है 3-4 दिन हुआ म्यूजिक चैनल अभी हम लोगों ने ओपन किया है, जिसका डिजिटल पूरा संभाल विक्की यादव जी, जो डिजिटल के बादशाह कहे जाते हैं हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में। तो विक्की यादव जी इसको और हैप्पी जी संभाल रहे हैं। और ये सर, आपको जाना था, क्या नाम हुआ आपका, कहाँ के रहने वाले हैं? रविशंकर सिंह मेरा नाम है, बिहार के रहने वाले हैं, लखीसराय डिस्ट्रिक्ट का। चंडीगढ़ में हम सेटल हो गए हैं, MES कॉन्ट्रैक्टर हैं, RSR म्यूजिक वर्ल्ड कंपनी खोले हैं, भोजपुरी चैनल के माध्यम से समाज में कुछ नया करने के लिए। मेरे डायरेक्टर सचिन जी हैं जिनके थ्रू जुड़े हैं, ये हमारे कलाकार हैं। भोजपुरी सिनेमा भी बना सकते थे, भोजपुरी एल्बम क्यों बना रहे हैं? अभी सर ट्राई कर रहे हैं, भोजपुरी फिल्म भी बनाएंगे, इसको लंबा तक ले जाना है चैनल को। अच्छा, और कुछ भोजपुरी फिल्में आप देखते हैं? हाँ देखते हैं सर। जैसे किस हीरो का? मनोज तिवारी, रवि किशन। ये उस टाइम के जो है अपने, अभी खेसारी पवन सिंह का भी मूवी देखे हैं। मैडम आप क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को? मैं तो यही कहना चाहूँगी, मुझे इस गाने में इंटरेस्ट लगा, तो भोजपुरी फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, अच्छा लगा करने में, आप देखती हूँ आगे। आपका नाम क्या है और कहाँ के रहने वाली है? मेरा नाम रुचि रॉय है, पटना की हूँ, अभी पापा मुंगेर में रहते हैं। अच्छा, तो आप भी भोजपुरी सिनेमा देखती हैं? हाँ, गाना ना सुन लेती हूँ। अच्छा, भोजपुरी बोल भी लेती हूँ, समझ भी लेती। भोजपुरी में किसी हीरो से अभी तक मुलाकात हुई है? नहीं, पहली बार मैं भोजपुरी में डांस कर रहा हूँ। अच्छा, फर्स्ट टाइम कर रही हूँ मैं भोजपुरी। पटना में कहाँ की रहने वाली है? कंकड़बाग। अच्छा जी, सचिन जी कितने गाने आज शूट हो रहे हैं, और जरा बताए म्यूजिक और गीत किसने दिया है? आज जो है हम लोग जो है 3 गाने शूट कर रहे हैं। म्यूजिक संजय साढ़ू, संजय यादव हैं, बहुत ही टैलेंटेड म्यूजिक डायरेक्टर हैं, बहुत बढ़िया गाना बनाते हैं। इसको गीत जो है राकेश सिंह जी ने लिखा है, राजेश कुमार ने लिखा है, और इसको गाया मैंने है, और आगे भी अंतरा सिंह प्रियंका है, कविता यादव है, समर भाई हैं। इस कंपनी के को लेकर के हम जितने अच्छे सिंगर अभी आज के मार्केट में जो सोशल मीडिया पे जो चैनल पे चल रहे हैं, यूट्यूब की जो टॉपर हैं, उन सबको हम लगाने की इसमें कोशिश कर रहे हैं, और इस चैनल को बहुत आगे तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी पहला गाना है आज? हाँ, इस कंपनी का पहला गाना, बाकी तो मैं पहले भी बहुत सारे गाना कर चुका हूँ। अच्छा, तो ये गाना किस तरह का है? ये आज के जो ट्रैक चल रहा है, आज का जो ट्रेंड है, उसको देखते हुए हम लोगों ने जो है इसको बनाने की कोशिश की है। अभी रितेश जी का गाना हिट हुआ है, हेलो कौन, उस टाइप का गाना बनाने का प्लान है? बिल्कुल उस टाइप का है, जैसे फेसियल वाला गाना है समर भाई का, तो बड़ा अच्छा। वो जो पहले मैं ये देखता आ रहा हूँ कि आज जब मैं 2003 में आया था, तो जैसे निरहुआ सेटल रहे जो गाना हिट हुआ था दिनेश जी का, तो वो ट्रेंड कहीं ना कहीं 10-12 साल 13 साल के बाद वापस से फिर वही हारमोनियम और ढोलक, जिसको जो हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री को अगर देखा जाए कि कोई भी गीत ढोलक और हारमोनियम पे जो चलता है, उस जब भी कभी बजता है, तो अगर रियल जब वादन होता है, तो चाहे वो लेडीज़ हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे बच्चा हो, वो नाचना और घूमना शुरू कर देता है इस ट्रैक पे। तो उसी तरीके से जो है आज फिर से वही ट्रैक निरवा सटल रहे टाइप का जो गाना आज चल रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं हम फिर आगे अपने चैनल के माध्यम से हम आगे प्रसारित करने की कोशिश करें। अभी कौन सी फिल्म रिलीज हो चुकी है? मेरी
मेरी गार्जियंस है, महाभारत है, हिंदी फिल्म गार्जियंस आई थी, महाभारत भोजपुरी, उसमें काजल राघवानी को हमने लिया था, और प्लस फिर काजल यादव को लेकर हमने लॉन्च किया था गार्जियंस में। और अभी इस एल्बम के माध्यम से रुचि रॉय की, वो भी पटना की हैं, ये हिंदी सीरियल्स वगैरह करती रहती है, तो हमारी मुलाकात हुई, तो फिर मैंने बताया कि यार आप इतनी अच्छी पर्सनैलिटी, इतना अच्छा टैलेंट है, तो कहीं ना कहीं आप भोजपुरी की होकर के भोजपुरी को नहीं कर रहे हो, तो इनको मैंने जो है प्रेरित किया इस को एल्बम को करने के लिए, बहुत अच्छा कर रही हैं, और मैं चाहूँगा कि ये इन फ्यूचर जो है हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में तहलका मचाने वाली हैं। सर भोजपुरी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों को? भोजपुरी मेरा राष्ट्रीय भाषा, मेरा अपना भाषा है, घरेलू राष्ट्रीय भाषा है, अपना समाज का भाषा है, इसको लुप्त हो रहा है धीरे धीरे, तो इसको थोड़ा जागृत करना है, समाज में फैलाना है। आपको कैसा लगा भोजपुरी में जाना करके आज? भोजपुरी ऐसा है कि आप म्यूजिक, आपको डांस भी करना आता है तो आप झूम के अच्छे से डांस कर सकते हैं, तो मुझे फर्स्ट टाइम डांस करके बहुत इंजॉय और बहुत अच्छा लगा मुझे, आगे भी अगर अच्छा मिले तो मैं करना चाहूंगी। फिल्में करना चाहती हैं? हाँ करना चाहती हूँ। मैंने इनको जो है बताया रुचि जी को कि भाई देखिए, एक भोजपुरी ही एक ऐसी भाषा है जिसमें जो है गाली भी अगर दिया जाता तो बड़ा प्यारा लगता है, और भोजपुरी ही एक ऐसी भाषा है जो हमारे हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड में सिर्फ भोजपुरी भाषा में ही रिलीज होती है फिल्में। हमारे साउथ में आप चले जाएंगे तो साउथ से अगर हमारे नॉर्थ में आती है तो हिंदी में डब होकर के आती है, लेकिन हमारी भोजपुरी भाषा चाहे मॉरिशस हो, चाहे मलेशिया हो, चाहे कनाडा हो, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे एमपी हो, चाहे गुजरात हो, चाहे आसाम बंगाल हो, हर जगह हम शो किए हैं, और चाहे दोहा कतार हो, हर जगह भोजपुरी में ही जो है उसका घोष होता है, उसके बोली होती है, और हमारे उत्तर भारतीय जो है पूरे वर्ल्ड में छाए हुए हैं, इसलिए भोजपुरी पे मुझे गर्व है कि मैं लड़ जाता हूँ लोगों से भोजपुरी के बारे में, अगर कहीं कोई बुराई होती तो मैं लड़ जाता हूँ, इसलिए कि भोजपुरी के हर पूरे वर्ल्ड के कोने कोने में छाए हुए हैं लोग। आज 31 दिसंबर है, नया साल कल से स्टार्ट हो जाएगा, क्या कुछ तैयारियाँ हैं? तैयारी है कि अभी हम लोग जो है लेट नाइट मतलब 10 बजे रात तक अभी शूट करेंगे, इसके बाद फिर अपने अपने घर जाएंगे, कुछ साथ में बैठेंगे, और नॉर्मल जो है क्योंकि मैं रात में जो है पूजा से जो है ये करता हूँ, 31 मनाता हूँ, तो कोई ऐसे स्पेशल पार्टी नहीं, क्योंकि ये स्पेशल पार्टी बनाने के चक्कर में मैंने शूट रखा। नया साल में क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को? नया साल में यही कहना चाहूँगा कि सारे जो दर्शक हमें देख रहे हैं, जो हमें हमारे फैंस हैं, उनको बस यही चाहूँगा कि सब लोग अच्छे से रहिए, और सारे दुख तकलीफ ये साल लेके जाए, और सारी खुशियाँ आप सबके झोले में भर दे, और लेते हुए आए और सबको खुशहाल रखे। सर आप नए साल में कुछ विश करना चाहेंगे? नए साल सबको मुबारक हो, नए साल में नया एल्बम रिलीज कर रहे हैं लगातार जो है नया एल्बम रिलीज कर रहे हैं सब, और क्या कर रहे हैं। आप मैडम कुछ विश करेंगे दर्शकों को? मैडम आप भोजपुरी में विश कीजिए, अभी आप बोले मैं भोजपुरी बोल लेता हूँ, आप भोजपुरी में विश कीजिए। मैं इतनी कंफर्टेबल नहीं हूँ पर बोलने की कोशिश करूंगी। गोड लगे ताने, सॉरी। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।